तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो डॉक्टर जयंत पांडे हमसे कह रहे हैं कि ठंड और ठंडी चीज़ें दोनों में बहुत फर्क है। बच्चे को अगर अस्थमा से दमा से बचाना है तो उसे एक्सट्रीम यानी बहुत ज़्यादा ठंड से बचाना है, लेकिन किसी तरह की ठंडी चीज़ों का उसे पथ्य परहेज नहीं है, उससे उसे कोई रोकना नहीं है। डेफिनेटली डॉक्टर जयंत जी, तो इसमें लक्षण क्या है, जिन लक्षणों से हम पहचान सकें कि बच्चे को अस्थमा है या नहीं है? सतीश जी, बहुत ही आसान है कि ये जो अस्थमा होता है ये ऑल ऑफ ए सडन होता है। अगर आप कोई निमोनिया बाकी कोई इन्फेक्शन लेंगे या टॉन्सिलाइटिस बोलो ऐसा कोई इन्फेक्शन लेंगे इसमें धीरे धीरे होता है, लेकिन अस्थमा में जो भी होता है वो हमेशा हमेशा एक्यूट अटैक के माध्यम से ही होता है। बहुत से बार पालक बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आज सुबह तक कि कुछ भी नहीं था, एकदम से कैसे क्या हुआ है? तो मैं आपको बताना यही चाहूंगा कि अस्थमा ये बीमारी हमेशा एक्यूट अटैक से ही प्रेजेंट होती है।